नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर पीके द कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं बच्चों। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ा था कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को हम किस प्रकार से फिल करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, किस प्रकार से, किस टेंस में, किस वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। बच्चों, इसको मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं पूरे टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मैं अब क्या कर, आज जो एक्सरसाइज है बच्चों, आज की एक्सरसाइज में आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्या करना है, पुट करना है। किसमें? जो फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, रिक्त स्थान है, उसमें आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, किस टेंस में कौन से मेन वर्ब यूज की जाएगी, उसका कौन सा फॉर्म यूज होगा, यही सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए पीके द कोचिंग सेंटर के वीडियो के अंत तक, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो बच्चों देखिए, कोशिश हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमें अपना एक टारगेट जरूर निश्चित कर लेना चाहिए, तब हम उसी बेस पे अगर काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी बच्चों। तो आइए देखते हैं कि यह एक्सरसाइज किस प्रकार से है और किस प्रकार से आप इसको समझने में सक्षम होते हैं। आइए बच्चों, आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको कोई भी प्रश्न करने से पहले जो उसके निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, जो उसको समझने में हमको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए इसको अच्छे से, कि हमारा मतलब क्या है, इसका मोटो क्या है, हमको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है आपको, करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। किस, मैंने वही बताया अभी कि किस टेंस में उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किस टेंस में सेकेंड फॉर्म, और किस में थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, और किस में आईएनजी फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू टेंस एक एक सेंटेंस आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य क्या है, ही क्या है बच्चों, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और डिड नॉट, तो ये डिड नॉट से पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, नेगेटिव, और डिड लगा है बच्चों, तो डिड किस टेंस में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो वह टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों। डू या डज के साथ, डू या डज या डिड के साथ सदैव आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे राइट लिखा है, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, राइट। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है, जो फिल करने को है हमको, उसमें राइट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें पुट करते हैं। तो ये टेंस इसको समझ में आया, डिड लगा है, जिससे हम समझ पा रहे हैं कि वो कौन सा टेंस होगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जानते हैं डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स का मेन वर्ब का क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे देखते हैं, देखिए हु डॉट डॉट हेयर यस्टरडे, अब देखिए यस्टरडे, हु जो होता है बच्चों, ठीक है, एज हम इसको सिंगुलर मानते हैं, जैसे भीड़ है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ है, उसमें किसी एक विषय में, एक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हो तो जैसे कहेंगे, पूछते हैं सर, पूछते हैं कि कौन विद्यालय कल नहीं आया था, कौन विद्यालय कल नहीं आया था, तो आप उसमें से जो एक, मान लीजिए एक बच्चा नहीं आया, तो वो खड़े हो जाता है, तो वहाँ पे हु लगा के पूछते हैं ना, हु डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कौन विद्यालय कल नहीं आया था, तो क्या होगा, कोई एक खड़ा होगा ना, ठीक है, या तो जितने आएंगे, लेकिन हम इसको सदैव सिंगुलर मान के चलते हैं। तो देखिए किस टेंस में यस्टरडे शब्द आता है, तो यस्टरडे मतलब क्या होता है बच्चों, बीता हुआ समय, क्या होता है, बीता हुआ समय, और किस में, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो हु देखिए कम है, कम कौन सा फॉर्म है, इसमें ब्रैकेट में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया गया है, इसको आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। हु के साथ कौन सा फॉर्म लगता है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हम भरेंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यह बनता है। अगला देखते हैं बच्चों, Where will he, अब फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन है, मतलब ये फिल करने को आसान है। तो देखिए किस टेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल लगता है, फिर सब्जेक्ट होता है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो बच्चों देखिए यहाँ वर्ब दिया गया है, वर्ब क्या है, गो। क्या है? गो। अब गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो ही होता है। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? गो। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे अगला सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, द पोस्टमैन डज नॉट, यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिल करना है, ऑन संडे। ठीक है, जैसे कि डाकिया रविवार को नहीं आता है, डाकिया रविवार को नहीं आता है, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें जब। ठीक है, तो पोस्टमैन बच्चों ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद किस टेंस में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं? तो वो होता है बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य में। डू या डज का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, किस टेंस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डू या डज के साथ। अभी मैंने जस्ट बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो इसमें क्या फिल करेंगे बच्चों? कम। ठीक है, अगला देखते हैं, द शॉपकीपर वाज डॉट डॉट इन द रूम। ठीक है, द शॉपकीपर वाज डॉट डॉट इन द रूम, यानी इस वर्ब इसमें हमको भरना क्या है बच्चों? स्लीप। तो स्लीप का इसमें देखिए वाज या वर के साथ, इज एम आर, वाज या वर, इन सभी के साथ वर्ब का सदैव आईएनजी फॉर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। ठीक है, जब कंटिन्यूअस टेंस होगा तब। तो देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब्स आईएनजी फॉर्म आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है तब वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब्स वाज होता है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो होगा बच्चों स्लीप, वो हो जाएगा क्या? स्लीपिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? स्लीपिंग। अगला, माई ब्रदर हैड बीन डॉट डॉट फॉर टू आवर्स। देखिए यह किस टेंस में हैड के साथ बीन लगा रहता है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब्स आई एन जी फॉर्म, और इसमें टाइम भी दिया रहता है, निश्चित और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हैड बीन के साथ वर्ब्स आई एन जी फॉर्म इसमें प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये सेंटेंस है यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी वाक्य है। आइए देखते हैं बच्चों अगला, ही विल हैव डॉट डॉट हिज होमवर्क टुमारो। तो देखिए इसमें फिनिश का आपको भरना है, फिनिश का क्या भरना है? सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, किस प्रकार से, कौन सा टेंस, कौन से मतलब किस टेंस का वाक्य होगा। तो देखिए विल हैव के साथ सदैव जानते हो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, विल हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे देखिए विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? फिनिश्ड। ठीक है, तो ये समझ गए। आगे देखते हैं, हैड ही बीन डट डट क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स सिंस 3 o'clock। अब देखिए इसमें वर्ब हमको भरना है प्ले। ठीक है, प्ले भरना है। तो देखिए ही विल हैव, यहाँ पे विल, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों हैड ही बीन, तो हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब का आई एन जी फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टाइम, इसमें टाइम भी दिया रहता है, निश्चित या अनिश्चित। तो इसमें बच्चों टाइम दिया है, सिंस का प्रयोग हुआ है और टाइम भी दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह होगा। तो इसमें वर्ब्स का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? आई एन जी फॉर्म। क्या होगा इसमें? आई एन जी फॉर्म। आगे देखते हैं, ही हैड डॉट डॉट बिफोर यू डॉट डॉट। ठीक है, इसमें देखिए ये डबल क्लाज के सेंटेंस हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, ये डबल क्लाज का सेंटेंस है। तो देखिए ये जो ही हैड होगा, या मैंने आपको बताया था जब वाक्य के बीच में बिफोर शब्द आए होगा तो प्रिंसिपल क्लाज का जो सेंटेंस होगा उसका जब हम ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे? प्रिंसिपल क्लाज का ट्रांसलेशन पहले करते थे, वो भी किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे ही हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बच्चों गो का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा बच्चों? गॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गॉन। अब बिफोर शब्द, तो इसके बाद जो बिफोर शब्द होता है उसके बाद सबॉर्डिनेट जो क्लाज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो बच्चों स्लीप, तो स्लीप का जो थर्ड, जो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है स्लेप्ट। क्या होता है? स्लेप्ट। तो इसमें क्या भरेंगे बच्चों? स्लेप्ट भरेंगे। किसमें? इसमें। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेंट, गो का थर्ड फॉर्म वेंट गॉन होगा, गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन होगा, और स्लीप का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, समझ गए।
आगे देखते हैं दसवां मार्क के। देखिए आवर फादर ये सब्जेक्ट बना आपका, बिल हेल्पिंग वर्ब है, बिल हैप। देखिए इसमें भी डबल क्लास के सेंटेंस होते हैं, तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल क्लास के जब सेंटेंस होते हैं तो मैंने बताया जो प्रिंसिपल क्लास का होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में होगा और जो सबऑर्डिनेट क्लास का होगा वह किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं आवर फादर विल हैव। अब देखिए इसमें यह प्रिंसिपल क्लास है तो यह जो वर्ब होगा ठीक है ये थर्ड फॉर्म में आएगा। तो बच्चों वर्ब क्या है इसमें, विजिट, क्या है विजिट, और विजिट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो विजिटेड होता है। क्या होता है बच्चों, विजिटेड, तो यहाँ विजिटेड भरेंगे। बिफोर हिज चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन क्या है ये प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ठीक है, बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ईट फूड। ठीक है ये समझ में आ गया बच्चों। आइए अब अगला आपको दिखाते हैं मोहन एंड रोहन। ये मोहन एंड रोहन जो होगा बच्चों ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, और फिर यहाँ पे क्या है आपको भरना है कौन सा वर्ब का सुटेबल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, मतलब वर्ब्स सुटेबल फॉर्म। तो फाइट देखिए किस टेंस में, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फाइट का क्या हो जाएगा बच्चों, फाट, क्या होगा यहाँ पे फॉट भरेंगे। अब विद डियर फ्रेंड्स आफ्टर द टीचर हैड, यहाँ पे देखिए ये कौन सा द टीचर हैड, हैड के साथ हमने बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो कम का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों कम ही होता है। तो बच्चों देखिए ये भी डबल क्लाज का सेंटेंस है, जब वाक्य के बीच में आफ्टर शब्द आया रहता है तो जो प्रिंसिपल क्लाज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं उसका ट्रांसलेशन, और जो आपका ये होगा ये सबऑर्डिनेट क्लाज होगा, तो ये किस में होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लीजिए इसको एक बार फिर, तो मैंने आपको जो भी बताया अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आप देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए और घर पर इसको प्रयास कीजिए करने का। ठीक है तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पीके द कोचिंग सेंटर, जो बनाए आपको बेहतर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई सुराज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, नमस्कार।